क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं, आपने एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरी बॉडी में डाल दिया, तो एक बॉडी डेफिशिएंट होगी, दूसरी बॉडी पे एक्सेस चार्ज हो गया। तो इमेजिन करो मैंने कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस को फॉलो किया, ये दो बॉडीज हैं, मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसको दे दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस ई, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चलो किसी ने कहा एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दिए, कोई बात नहीं, अगर मैंने दो करवा दिए तो इसके ऊपर प्लस 2e, इसके ऊपर माइनस 2e, कोई डाउट इसमें। चलो कोई कहता जी मैंने तीन करवा दिए तो इसके ऊपर प्लस 3e, इसके ऊपर माइनस 3e, कोई डाउट इसमें, ऐसे ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी ने 3.5 करवा दिए, 4.5 करवा दिए, 4.75 करवा दिए, 3.5, ऐसा नहीं होता। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो जाएंगे, या तीन जाएंगे। तो यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का, इसे फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर एन इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, एन ई, इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस एन ई। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, तो क्यू की वैल्यू या तो किसी बॉडी पे प्लस एन ई, या दूसरी बॉडी पे माइनस एन ई। वेयर एन की वैल्यू मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन ये कहती है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ चार्ज एग्जिस्ट, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन, डिस्क्रीट का मतलब फिक्स्ड अमाउंट, 1, 2, 3, 4 डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। तो दो बॉडीज में से जो इन जनरल हम चार्ज लिखेंगे क्यू, वो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस एन ई, ये याद रखना। और ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब ये नहीं है कई लोग कन्फ्यूज, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, नहीं, ये डिपेंड करता है कि डेफिशिएंट है कोई बॉडी या एक्सेस है। अगर तो डेफिशिएंट है तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव रहेगा, और अगर एक्सेस है तो ओवरऑल चार्ज माइनस रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि एन यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये इसका कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट इसमें। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, पहली डेफिनेशन है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पूछा जा सकता है, ठीक। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन मैं बता चुका हूँ, जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जाएंगे तो वो फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, या एक जाएगा, या दो जाएगा, या तीन जाएगा, या चार जाएगा, या एन जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, यही इसका रीजन है। नेक्स्ट है चार्ज एडिटिव है, चार्ज एडिटिव है, दो बॉडीज में चार्ज को ऐड किया जा सकता है। अगर एक बॉडी पे चार्ज क्यू है, दूसरी पे 2q है, तो नेट चार्ज 3q बोल सकते हैं। एक बॉडी पे चार्ज क्यू है, दूसरी पे माइनस क्यू है, दोनों को आपने कॉन्टैक्ट में ले आए, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू और माइनस क्यू टोटल चार्ज 0, न्यूट्रल हो जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,